हे गाइस, अरे देखो आज मैं बात करने वाला हूँ जवान 2 के ऑफिशियली कंफर्म के बारे में, साथ में भाई इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी बात करूंगा, तो मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नो चैनल गुरु सब्सक्राइब लेना, वीडियो कैसे अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अब सबसे पहले भाई हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें कि अपने दूसरे वीकेंड में भाई ये भाई थमने का नाम नहीं ले रही है। हाँ भाई, इसने 900 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है, वो भी अपने 13 डे के कलेक्शन में, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर में। भाई सोचने वाली बात यह है कि भाई अभी से ही इसे 905 करोड़ के आसपास कमाई कर ली है। अगर आज के हम बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन को देखें तो 22-23 करोड़ आज भी कमाने वाली है मूवी। भाई ये थमने का नाम ही नहीं ले रही, इसमें डिप देखने को तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं जो कि भाई दूसरे वीकेंड के बाद उनके अंदर कमियां देखने को मिल जाती हैं, उनके कलेक्शन को ऊपर कमियां देखने को मिल जाती है, लेकिन भाई ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ भाई, कम ही नहीं दिख रहा है कि कम होगी। भाई इसके दूसरे वीकेंड में भी भाई कम नहीं हुई, अभी तीसरा वीकेंड जो चल रहा है बताया जा रहा है भाई इस वीकेंड के अंदर ये 1000 करोड़ आराम से कंप्लीट कर लेगी। तो देखना भाई इसके साथ क्या क्या होता है। अभी तो ये 905 करोड़ की कमाई कर चुकी है, आज का अगर कलेक्शन हम मिला के चलें तो लगभग 922-923 करोड़ आसपास पहुंच जाएगा। जो भी हो भाई, जवान मूवी बहुत अच्छा रही है यार, बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, तो भाई सही में मजा आ गया। आप भाई इसके जवान 2 के ऊपर आ जाए, जो जवान 2 के ऑफिशियली कंफर्म के ऊपर आ जाए, तो भाई देखो मैं जो भी चीज बताने वाला हूं स्पॉइलर होने वाला है, तो भाई अगर अभी तक आपने मूवी नहीं देखा है ना तो जाकर पहले मूवी को चेकआउट करो, उसके बाद इस वीडियो को चेकआउट करना, ठीक है। तो सबसे पहले भाई बता दूं, जवान 2 के जो डायरेक्टर बनने वाले हैं हमारे अटली कुमार, जो कि पहला पार्ट भी डायरेक्ट किए हैं, तो बता दूं भाई उन्होंने खुद कंफर्म किया अपनी तरफ से, उन्होंने इस तरीके से नहीं कंफर्म किया कि हाँ भाई जवान 2 पे हम काम करेंगे, लेकिन भाई इस तरीके से इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया कि नहीं जवान 2 बनेगी जरूर। हाँ भाई, और पैसा किसको प्यारा नहीं होता भाई, जो कि अपने दूसरे वीकेंड में 900 करोड़ कमा लिया, अगर जवान 2 आएगी तो सोचो कितना कमा के जाएगी, ठीक है। अटली कुमार ने इनडायरेक्टली बस ये बोल दिया कि हाँ भाई हम जवान 2 पे भी काम करेंगे। अब भाई इसकी बात अलग हुई, अब हम मूवी के अंदर आ जाएंगे कि मूवी के अंदर हमें कैसे पॉसिबल देखने को मिलेगा, कौन विलन देखने को मिलेगा, इसको मैं बता दूंगा। आपने पता होगा कि आपने काली को जो जानते ही होगे, जो कि हमारे विजय सेतुपति रोल कर रहे थे, उन्होंने एक बाहर कंट्री में जाकर के भाई उन्होंने एक बंदे से डील किया था, जो कि भाई बहुत बड़ा विलन देखने को मिल रहा था उस मूवी के अंदर, उसका कोई छोटा मोटा रोल होता है सिर्फ उस मूवी के अंदर। तो भाई देखो मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि सेकंड पार्ट में भाई वही मेन विलन बने, क्योंकि भाई देखो आप जानते हो कि काली का और डील कोई तोड़ता है, मतलब काली किसी के साथ जब डील करता है, जो इस बंदे से डील करता है उसका डील उस बंदे ने तोड़ दिया, यानी काली को मारने के बाद उसका डील टूट गया क्योंकि उससे पैसे ले रखा था। अब भाई इससे मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि भाई वो आके बदला लेगा शाहरुख खान से कि भाई मेरे डील को तोड़ा, मेरा पैसा जो बर्बाद हुआ उसकी वजह से वो बदला लेगा, बात इसकी हो गई। और आपने एंड क्रेडिट सीन में आपने देखा होगा संजय दत्त एक न्यू केस के ऊपर रिसर्च करते हुए उनको लाके थमाते हैं, और भाई शाहरुख खान जो बेटे वाला रोल जो निभा रहे हैं वो आके अपने बाप से बोलते हैं कि पापा हमें काम पे जाना है। भाई से ये साबित हो जाता है कि हाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी काम किया जाएगा, और हो सकता है कि इस बार भाई ये ओवरऑल वर्ल्ड में लेकर के जाए हमें, मतलब बाहर कंट्री का भी सीन देखने को मिले। सही में जवान 2 के ऊपर जो ऑफिशियली कंफर्म करने वाले हैं ना मेकर्स, 1000 करोड़ के बाद पक्का कह रहा हूँ कि जब मूवी जवान 1 कमा लेगी तो भाई सही में मेकर्स खुद ब खुद कन्फर्म कर देंगे। जो भी और भाई मजा आने वाला है, और ये जो फैन थ्योरी निकल के आ रही है ना ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है भाई जवान 2 बनेगी कि नहीं बनेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कहीं तर वीडियो में आपको जो चलता तो वीडियो को लाइक कर देना। बस मैं आज के लिए अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय।